हेलो फ्रेंड्स, आज वापस एक नए वीडियो करेंगे नजल बोन लैटरल। नजल बोन लैटरल क्या होता है ना कि अगर कुछ नाक के ऊपर यहाँ पे पार्ट पे मार लग जाती है या लगता है कभी, तो उसके लिए डॉक्टर नजल बोन लैटरल भी लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नजल बोन लैटरल कैसे करते हैं। ठीक है, हम अब इनका लैटरल व्यू नजल बोन का करेंगे। फ्रेंड्स, नजल बोन एक्सरे ना दो प्रकार से करते हैं, एक तो बिठा के कर सकते हैं, एक लेटा के करेंगे तो बहुत अच्छा एक्सरे आएगा। लेकिन क्या अगर पेशेंट दर्द होता है, लगा हुआ रहता है, तो वो लेट के नहीं कर पाते, उल्टा नहीं सो पाते, तो हम उनको बिठा के करेंगे। तो बैठने के फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे पेशेंट को एक छोटे से टेबल पे, चेस्ट स्ट्रेन के वहाँ बिठा देना है। उनको स्ट्रेन देखने के लिए बोलना है कैसे हमारा थोड़ा उतना ऊपर होना चाहिए, ये लेवल पे पेशेंट को थोड़ा बोलेंगे थोड़ा और नजदीक जाइए, आप इस तरफ जाइए नजदीक देखेंगे आप। तो ये देखिए थोड़ा ऊपर लेंगे, स्ट्रेट बैठा के मैंने लिया है ये पार्ट का हम यहाँ पे आएगा एक्सरे। हो सके तो सर पेशेंट को टच भी करवा देंगे तो भी चलेगा। ये लैटरल की पोजीशन है, मैं सेंटरिंग करके भी दिखा रहा हूँ। मशीन प्लीज, मैंने 2.5 से 3 फुट डिस्टेंस चालू रखा है। देखेंगे आप, देखिए कॉलीमीटर भी उतना ही ओपन करूंगा जितना मुझे चाहिए। देखिए परफेक्ट एक करके मैं पोजीशन देखिए कहाँ दिया, नाक के ऊपर ये हमारा पोजीशन आया है। ये होगा बैठ के लेटरल व्यू। अभी हम करेंगे सुला के भी कैसे करते हैं, करते स्लीपिंग पेशेंट को थोड़ा उठाना है यहाँ पे सीधा सुला के। देखिए नजर मोन के नीचे हमें कैसे करेंगे और सुला के करते हैं तो हम दोनों साइड से करेंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड। अभी मैंने फिलहाल पेशेंट की राइट साइड नीचे की है तो मैं लेफ्ट ये साइड में डिवाइडर रखूंगा और पेशेंट को ऐसे सुलाऊंगा। अगर पेशेंट का पोजीशन ओपन है तो हम बोलेंगे यहाँ से थोड़ा हाथ पकड़िए और एक बार थोड़ा उठाना है, हमें यहाँ पे सेंटरिंग करना है और सेंटरिंग भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये पोर्शन पे नाक के ऊपर हमारा सेंटरिंग आना चाहिए, थोड़ा एक पॉलीमिट ओपन करूंगा मैं ऐसे। तो पहले हमने किया था राइट साइड, अभी देखिए लेफ्ट साइड करूंगा। अभी हम बोथ साइड, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, तो हम यहाँ पे एक कॉइन रख देंगे छोटा सा ताकि हमें मालूम पड़े कि ये पेशेंट की लेफ्ट। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा नजल बोन लैटरल व्यू। हमने दोनों तरीके से देखा कि बैठ के कैसे करते हैं, लेटा के कैसे करते हैं। रही फैक्टर की बात, मैंने आज फैक्टर नहीं दिखाया वीडियो में, लेकिन इसमें जो हम फिंगर या इसके एकदम लो रेडिएशन, मैं अगर मेरे मशीन में देना चाहता था मैं उसको 40 kV देता था और 3 ms देता या 4 ms देता था, डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ ट्यूब का, ट्यूब और पेशेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से हम ये देते थे। इजी है एकदम नजर बोन लैटरल करने के लिए, तो भी टेक्नीशियन पूछते रहते कि कैसे करते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, ऑप्शो एकदम सिंपल और सरल तरीके से हमने निकाला है ताकि पेशेंट को टेक्नीशियन को ये वीडियो पर तकलीफ ना हो और उसे इजीली सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स, हमारी यही ये रहती है कि हम स्मूथ वे में, अच्छे वे में पोजीशंस निकाल के दिखाए ताकि टेक्नीशियन को भी सीखने में इजी पड़े। तो बोलते हैं ना कि खेलते खेलते सीखिए, अच्छी बात है सीखना, लेकिन उस साथ मेडिकल के टर्म्स एंड कंडीशंस भी याद रखें। ऐसा ना हो कि हम हमारे शौक के लिए करें लेकिन ये भूल जाए कि पेशेंट को कितना रेडिएशन जाना है, क्या करना है। अब थोड़ी भी पेशेंट की पोजीशन गलत हो जाए उससे पेशेंट को तकलीफ हो या डॉक्टर को डायग्नोस में तकलीफ हो, ऐसा ना करें। थोड़ा ज्ञान भी होना जरूरी है, थ्योरिकल भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर से, या तो मुझे कमेंट्स करिए कि सर हमें ये सीखना है, आप जो भी बोलेंगे वीडियो में बनाऊंगा और एकदम सिंपल वे में बनाऊंगा। और आपको थ्योरिकल भी ज्ञान चाहिए तो हमारा श्री चामुंडा पेडिकल मेडिकल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट करके हमने चालू किया है। हम डायरेक्ट दिल्ली से जो पैरामेडिकल एसोसिएशन है उसके थ्रू संलग्न है, हमने उनसे फ्रेंचाइज ली, हम यहाँ पर सिखाते हैं, हम वोकेशनल कोर्स भी करवाते हैं। तो आप देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आपको फ्रेंड्स में शेयर करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करवाइए और हो सके तो कमेंट्स करते रहिए। तो उससे क्या होता है कि हमें भी, हम कुछ पूरा सीख के नहीं है, हमें हमारी गलतियाँ नहीं मालूम होती, तो अगर आप हमें बताएंगे तो हमें भी उससे सीखने मिलेगा, हम भी उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। हो सके उतना हम सही जानकारी देंगे ना बाकी लोगों के, हम कुछ भी दिखाने के लिए नहीं दिखाएंगे, इजी दिवे में दिखाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।